वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरव और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे थ्री ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाला है स्पॉट, सेकेंड है PNR और थर्ड है सीट्स। तो हम स्पॉट के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको लाइव ट्रेन की जो है स्थिति जानना है, लाइव लोकेशन जानना है, तो आप तीन तरीके से जान सकते हो। देखिए, मुझे नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक जाना है, तो आप इसको चेंज भी कर सकती हो, मुंबई सेंट्रल टू नई दिल्ली। मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं कर देता हूँ फाइंड ट्रेन्स। ठीक है, तो उस रोड पे सारी की सारी ट्रेन चलने वाली वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी। और मैं ऑल डेट्स पे नहीं, मैं कल की डेट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए कल की तारीख में ये वाली जो ट्रेन है यहाँ पे चलने वाली है। इतनी सारी जो ट्रेन है वो कल की तारीख पे चलने वाली है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन जो है कैंसिल कर दी गई है। और यहाँ से आप जो है क्लास के थ्रू, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर, जनरल, ये आप सिलेक्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, कौन सी रेल उस टाइम चलने वाली है यहाँ से आप देख सकते हो। दूसरा है, अगर आपके पास ट्रेन नंबर या ट्रेन नंबर है, तो आप यहाँ पे ट्रेन नंबर डाल के भी जो है आप ट्रेन देख सकते हो, कहाँ तक पहुँची है, ट्रेन की लाइव स्थिति देख सकते हो। और अगर आपके पास स्टेशन नंबर है तो बहुत अच्छा, आप स्टेशन नंबर डाल के भी देख सकते हो। ये हो गया हमारे स्पॉट के बारे में। अभी हम PNR के बारे में बात करेंगे। अगर आपने टिकट बुक कर रखी है दोस्तों पहले से, कि आपको कहीं पे जाना है और आपने टिकट बुकिंग करके रखी है ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन से, तो आपको यहाँ पे PNR नंबर डालना है। तो आपको आपकी टिकट की जो स्थिति होती है, मतलब वेटिंग पर है या कंफर्म हो चुकी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपकी जो सीट्स है वो कौन से डिब्बे में है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सारी की सारी जानकारी अगर आप यहाँ पे PNR नंबर डाल दोगे तो मिल जाएगी। और सेकंड वाला होता है, थर्ड वाला आता है सीट्स। तो सीट्स में देखिए, मुझे नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक जाना है, तो मैं कल की तारीख की जो है सीट देखता हूँ कि है कि नहीं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास AC में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं स्लीपर में करता हूँ और यहाँ पे जनरल कोटे के तत्काल में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीट, फाइंड सीट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है आपको। ये ढूंढेगा कि अगर आपको सीट मिलने वाली है क्या कल की तारीख में। यहाँ पे आपको बताएगा, यहाँ पे जर्नी डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स, इंटर सोर्स स्टेशन, इंटर डेस्टिनेशन और यहाँ पे फ्लेक्सिबल विद डेट, आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक लगा के यहाँ पे आपको गो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैचपा भरना है और आपको ट्रेन की सीट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन का एक और खासियत है कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो इसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं फाइंड ट्रेन करता हूँ। आपको क्या करना है, देखिए, अब मान लीजिए आप अभी ट्रेन में है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल टावर या GPS कर देना है। ठीक है, अभी तो मैं ट्रेन में नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है। सेल टावर नहीं तो GPS यूज़ इनसाइड ओनली ट्रेन। ठीक है, ट्रेन ओनली, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, आपकी ट्रेन कहाँ तक है। तो ये इस एप्लीकेशन की खासियत है। अगर आपको ये एप्लीकेशन इंग्लिश में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे लैंग्वेज में जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है, हिंदी, इंग्लिश है, मराठी है और बंगाली है, गुजराती है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ से आप लैंग्वेज का भी हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।